नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के सीधी जिले अंतर्गत मंझौली से है, जहां 73वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर नगर परिषद कार्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक के मुख्य अतिथि और क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह टीकाम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जहां पर विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष सीधी इंद्रचरण सिंह मंचासीन रहे। नवीन भवन का लोकार्पण वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया और कन्या पूजन, वृक्षारोपण और छोटे फायर वाहन को भी मुख्य अतिथि और अध्यक्ष द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मंझौली राजेश सिंह भदौरिया के साथ समस्त अधिकारी कर्मचारी द्वारा किया गया। चिंतनीय बात यह रही कि निवर्तमान अध्यक्ष रूबी सिंह, जिनके कार्यकाल में उक्त भवन का शिलान्यास पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के द्वारा किया गया था, इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं दिखी। इस कार्यक्रम में सांसद रीति पाठक, विधायक कुंवर सिंह टेकाम, भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह के साथ भाजपा नेता प्रमोद त्रिवेदी, प्रवीण तिवारी, लोरिक प्रसाद यादव, लोकेश सिंह, अखिलेश जायसवाल, उपाध्यक्ष अधिवक्ता संघ मंझौली अमित तिवारी, मार्तन चतुर्वेदी, राम सखा शर्मा, अशोक द्विवेदी, राजेश सिंह, गणमान्य नागरिक राम कुमार सिंह, महेंद्र सिंह गौतम, गजाधर सिंह, प्रशासनिक अमला एसडीएम मंझौली सुरेश अग्रवाल, सीईओ मंझौली एमएल प्रजापत, थाना प्रभारी मंझौली दीपक सिंह बघेल, खंड चिकित्सा अधिकारी राकेश तिवारी के साथ कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल शामिल रहा।